وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

जो ख़ास जमात से मुतल था जैसे सवाल फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह बात समझ में आ जाए तबलीगी जमात, वो लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात के मनहज पर चलना चाहते हैं लेकिन बाज लोगों से बसा अवात कुछ गलती हो जाती है फिर आखिर तुम हम पर हुक्म क्यों लगाते हो और हमसे लोगों को क्यों डराते हो कि इस ये जमात मनहज से हटी हुई है इस इस जमात से दूर रहो ऐसी बातें क्यों कहते हो इसका जवाब शेख फौज़ान हफिदुल्लाह ने क्या दिया कि तबलीगी जमात के बारे में उन लोगों ने लिखा है जो उनके साथ गए हैं उनके उनको जांचा है परखा है उनके साथ रहे हैं और उनकी बहुत सारी गलतियों की उन्होंने नशानदही भी की है तो शेख़ फौज़ान हफीज़ुल्ला ने कहा कि आप लोग उनकी किताबों को पढ़ें जिन्होंने उनके साथ रहने के बाद किताबें लिखी हैं तो इस सिलसिले में गुज्त दर्श में हमने इस के ताल्लुक से कहा कि फ़िरक़ तबलीग का अकीदा फ़िरी मसाइल में अहनाफ हैं हनफी मसलक की ताबेदारी करते हैं और आक़ीदे के बाब में आ, मतलब अकीदे अशारी आ, मसलक की ताबेदारी करते हैं अशारी कौन है हमने गुजत दर्श में सुना कि कैसे अशारिया का ये जो फ़िरका है वो सिफ़ात इलाही का मुनकिर है और और ये ख़ुद फ़िर जहमिया से निकला हुआ है और फिर गुज्तर दर्श में हमने कहा कि अशारी फ़िरक़े के जो इमाम हैं अबसन अशारी बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं उन्होंने इससे तायब होकर ख़ुद इस फ़िरक़े से उन्होंने तोबा कर ली लेकिन उसके उनके जो मदीन थे उनके जो उनके जो नक्श कदम पर चले वो उसी में रह गए और वो तायब नहीं हुए तो ये गुजरात में इसके ताल्लुक़ से हम सुन चुके हैं उसके बाद कुछ और बातें हमारे साथ आ, एक दूसरे फ़िर के ताल्लुक़ से हैं फिर मातुरुदी फ़िर मातुरीदी ये अक्सर अक़दे के बाब में सारी बातें हमारे सामने आती हैं लेकिन चूँकि इनको लोग पढ़ते और सुनते नहीं हैं सरसरी सुन के छोड़ देते हैं तो लोगों को चाहिए कि इसको पढ़ें ताकि अपने अक़दे और मनहज की असलाह हो सके फ़िर मातुरीदिया ये भी अशायरा की तरह सिफात इलाही के मुनिर फ़िर जहमिया से निकला हुआ अकीदे के बाब में अकल परस, बिदाती, कलामी गुमराह फ़िरका है फ़िर अशायर के तलु से गुज्त दर्स में हम सुन चुके हैं किसी को अगर शक व शुबा हो तो इससे पहले वाली जो रिकॉर्डिंग है उसे आप गौर से सुन लें सारी तफसील आपकी समझ में आ जाएगी तो अब सामने हमारी बात है फिर मातुर्दिया की इसके ताल्लुक से हमने कहा कि ये भी फ़िरक़ जहमिया के जहमिया से निकला हुआ ऐसा फ़िरका है जो दीन को अकल पर परखता है और बिदाती है और कलामी है यानी कलाम अहले कलाम की बातें इनके अंदर पाई जाएंगी गुमराह फिरका है और ये भी बात देखने में आती है कि हर फिरके के पीछे एक इमाम इनके हैं तो ये अबू मंसूर मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन महमूद अलमातुरीदी जिनकी वफात तीन सौ तीन सौ तैंतीस में हुई त्री त्री त्री, त्री तीन सौ तैंतीस सन हिजरी में हुई ये इन्हों, इन्होंने इस इस फ़िरक़े के पीछे इनका हाथ है और इन्हीं की तरफ ये फ़िरका मंसूब है और मातुरीदी मातुरीद ये खुरासान का एक इलाका है मावरा नहर के एक बहुत बड़े शहर समरकंद का एक महल्ला है उस महल्ले का नाम मातुरीद है बहुत सारे लोगों को ये सारी मालूम नहीं होती मातुरीदिया मातुरीदिया ज़िंदगी भर कहेंगे लेकिन इसके असल क्या है ये कहाँ से निकले हैं इनके पेशवा कौन हैं इनकी सारी तफसलत जानना ज़रूरी है इस फिरके के अकल पर कलाम और इनके जो उस हैं अशायरा से करीब हैं बिल्कुल मिलते है, जुलते हैं चुनाच शायरा की तरह ये भी अकली बुनियादों पर अकल की बुनियाद पर अल्लाह वज़ल की सात सिफात को मानते हैं बाक़ी सिफात के मुनकर हैं जैसे इल्म को मानेंगे क़ुदरत को मानेंगे और समा बसर कलाम नफसी और हयात के अलावा मजीद एक आठवीं सिफ़त तकवीन भी साबित करते हैं और तकवीन या अजरी तकवीन का माना यह है कि अल्लाह ताला मादूम को अदम से वजूद में लाने वाला है बस इन्हीं सिफात को मानते हैं बाकी सिफात के मुनकिर हैं जैसे जहमिया अल्लाह ताला की सिफात के मुनकिर हैं बकिया तमाम सिफात उसका इनकार करते हैं तो फिर शेख ने बड़ी तफसील से हमारे सामने रखा शारह ने जिन्होंने इसका हाशिया भी लिखा अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे फिरक़े मातुरिदिया, कोई भी फिरक़ा कई मराहिल से गुज़रता है तो फिरक़े मातुरिदिया भी करा, कई मराहिल से गुज़रा है एक फिरक़े तसीस है जब ये फिरक़ा बना है एक मरहल तकवीन व तश्क़ील है और इसी तरह मरहला तालीफ वसूल साजी है यानी उस फ़िरक़े के ऊसूल बनाए गए और मरहला तवस व इंतशार यानी उसके बाद ये फ़िरका फैला फूला फला और ये जाता है इसका क्रीडट क्रीडट जाता है इस ये ये जाता है आ, सल्तनत उस्मानिया। उस्मानी सल्तनत जिसके दौर में ये फिरका फला फूला है तो इस तरह इस फ़िरक़े के कई हमारे पास मरहल हैं एक मरहला वो जिसमें इसकी बुनियाद पड़ी एक मरहला वो जिसमें इसको बनाया गया मज़बूत किया गया तश्कील की गई और फिर इसके उसकूल बनाए गए इसके कवानी सा क़ानून साजी हुई और फिर उससे फैलाया गया लोगों के दरमियान इसे लागू किया गया इसके खे इसके ख़्याल को लोगों के सामने शाये लोगों के सामने लोगों के अंदर फैलाया गया इस फ़िर के बाद मरूफ़ शख़्सियात हैं जैसे हर फिऱे में मशहूर शख्सियात होते हैं जो उस फ़िरक़े से जुड़े होते हैं तो उसमें सबसे पहले जब फिरके में जो लोग हैं उनके नाम जब लिए जाते हैं तो उस फिरके के मुस फाउंडर बानी का नाम लिया जाता है मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन महमूद मातुरीदी समरकंदी तो हमने मातुरीद का कहा कि ये खुरासान का ये एक का नाम है समरकंद के एक महल्ले का नाम जैसे हमने बताया जिन्हों जिन्होंने जिन्हें इस फ़िरक़े के लोग मुख्तलिफ़ टाइटल देते हैं कोई इनको इमामुल हुदा कहता है कोई इनको इमामुल इमामतकलम कहता है अलग अलग अलकाब से ये जाने जाते हैं तो ये पहले आदमी हैं जो इस फिरके के बानी हैं इसी तरह कासिम हकीम इसहाक़ बिन मोहम्मद बिन इस्माइल समरकंदी ये भी इस फिरके के हैं अबू मोहम्मद करीम बिन मूसा बिन ईसा बदधवी इसी तरह बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने गिनाए हैं कि ये ये सारे के सारे इस फिरके के मशहूर लोग माने जाते हैं और इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो फिरके मातुरिदिया पर लिखी गई हैं और इसी तरह शख्सियात के अलावा फ़िर मातुरदिया के, के शख़्सियात के अलावा बरसैीर के कुछ मदारिस भी हैं जो इस फ़िक्र पर पड़े हैं जिस इस फिक्र को फैलाते हैं इसमें मदरस बरेलवियत है जैसे ये 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 मदारस हैं जो इस फ़िक्र की पेशवाई करते हैं इस फिक्र की नशोिशात करते हैं और फिर इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ों की दावत भी मिल जाती है परस्ती वगैरह हैं इसी तरह ये लोग अहसम को काफिर करार देते हैं और बहुत सारे अपने लोगों से भी सख्त वादावत और दुश्मनी रखते हैं तो ये बहुत सारे हैं जो इस, इस फ़िक्र को लोगों के सामने आम करते हैं तो बहुत सारे मदारस का नाम इन्होंने यहाँ लिया है और उसके बाद मातुरिदिया के अंदर एक और चीज़ दीन हासिल करने के जो मसाद ततल जो होते हैं जैसे हम लोग कहेंगे कि इल्म हासिल दो तरीक़े से होता है हम दो ही चीज़ें हासिल करते हैं यानी हम क़ुरान और हदीस से इल्म हासिल करते हैं लेकिन इन लोगों के पास इसकी उसूले दीन की दो किस्में हैं इलाहियात यानी कहा कि कुछ चीज़ें हैं इनके पास जो आ, दीन हासिल करने के जो असूल हैं उसकी इन्होंने बताते हुए कहा कि अक़ल से कभी दीन समझ में आता है अक़ल से बास चीज़ें और समयात कुछ चीज़ें हैं जो सुनकर हासिल की जाती हैं तो इस तरह की तकसीम उनके पास है उसके बाद का अकीदा तोहद और सिफात इलाही के बाब में अकलियात के कबील से है और ये बराह अकल से साबित होता है उसमें शरीयत अकल के ताबे है ज़रा ग़ौर से सुने तौहीद और सिफात इलाही को वो अक़ल से समझते हैं एक फ़िरक़ा हमने पढ़ा मातुरिदिया के तल्ल से इनके जो अकायद हैं उसमें नबूवत अज़ाब क़ब्र और उखरवी उमूर शमर शरायात ये सब के सब समयात के कबील से हैं उनमें अक़ल की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें अक़ल को तो दखल नहीं देते हैं नबौत का मामला है आज़ाब क़ब्र का मामला है ये सारी चीज़ें हैं जबकि बाज लोगों ने नबूत को अकलियात के कबील से करार दिया है जैसे हमने बताया कि दो चीज़ों में इन्होंने दीन के असूल को तकलीम किया है तकसीम किया है एक अकलियात में और दूसरा समयात में तो एक लंबी बहस इन्होंने की है इसको हम सर्फ़ आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद तोहैद का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला अपनी रात में अकेला है इनकी तो इनकी जो अकायद हैं इनकी जो बातें हैं उसको इन्होंने यहाँ नक़ल किया कि तोीद का मफहम यह है कि अल्लाह ताली अपनी दात में अकेला है न उसका कोई टुकड़ा है न हिस्सा है वह अपनी सिफात में तनहा है उसका कोई मुशाबे नहीं अपने अफ़ाल में तनहा है चीज़ों की ईजाद में उसका कोई शरीक नहीं उनके यहाँ इलाह का माना ईजाद करने पर कुदरत रखने वाले के हैं तो ये उनके अकायद हैं उन्होंने अल्लाह के नामों में शान कदीम और दात वगैरह भी शामिल किए हैं क़ुरान करीम अल्लाह का हकीकी कलाम नहीं है, ये सारे उनके अकायद हैं बल्कि अल्लाह ताला का नफसी कलाम है जो सुना नहीं जा सकता बल्कि उसकी ताबीर सुनी जाती है इसी वजह से क़ुरान करीम और दीगर आसमानी किताबें मखलूक हैं एक और चीज़ जो इनके अक़ीदे के मुताबिक कहन और लिखा कि ईमान सिर्फ़ दिल की तस्दीक का नाम है सही है क्या सही है ईमान सिर्फ़ दिल की तस्दीक का नाम है नहीं बोलते तो अकरारम बिल लसान व अमर उम बिल अरकान व तस्दीक बिल जिनान तो हाँ हमारे पास ईमान की अलग डिफेनेशन है तारीफ है ये लोग अलग मानते हैं ईमान सिर्फ़ दिल की तस्दीक का नाम है बाज़ लोगों ने एक करार बिलसान भी शामिल किया है अगर सिर्फ ऐसा हो अगर कोई अमल भी ना करें तो वो क्या होगा वह मुसलमान ही रहेगा उसके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके हिसाब से ईमान में कमी बेशी नहीं होती जबकि हमारा ये है कि अलीमान वजीद उन् कुश ईमान बढ़ता और घटता है और ईमान और इस्लाम दोनों मुतरदफ हैं ऐसा नहीं हम लोग क्या बोलते हैं दोनों ईमान वो अंदरूनी चीज़ है इस्लाम बाहरी चीज़ है कभी दोनों एकसा होते हैं कभी दोनों अलग अलग हो जाते हैं दोनों को एक जज ये करें तो दोनों के माने अलग अलग एक अलग अलग होंगे दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों के माने एक होंगे जैसे करें एक और चीज़ मातुर्दिया के ताल्लुक़ से कहा कि आखिरत में अल्लाह ताला का दीदार साबित करते हैं लेकिन सिम और आमने सामने की नफ़ी करते हैं जबकि ये तनाकज़ है क्योंकि उसके बग़ैर दीदार मुमकिन नहीं, लोग अल्लाह को देखेंगे लेकिन किस सिमत में देखेंगे या फेस टू फेस देखेंगे उसका वो लोग इनकार करते हैं इसी तरह एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ नकल किया है इन अक़ाइद से ये बात बिल्कुल मतरश है कि अबू मंसूर मातुरीदी और फिर मातुरीदिया के अक़ीदे में हक और बातिल दोनों की मिलावट है हक़ उन्होंने अहल सुन्नत से लिया है क्योंकि हनफी असलफ़ी अहल सुन्नत से लिया है क्योंकि तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्ल् के बाद ये सारे लोग मुख्तलिफ टोलों और फ़िरकों में तकसीम हो गए कुछ अल्लाह की तोफ़ी से मजमुई तौर पर अहल सुन्ना वजमा के अक़ीदे पर क़ायम रहे मसल अपने वक्त के इमाम साहेब अक़ीदा तहाविया इमाम अबू जाफ़र तहावी रहम् जिनकी वफ़ात तीन सौ इक्कीस एक, सन हिजरी में हुई जबकि बातिल अकायद व नजरियात जैसे इर्जा तातील सफ़ात इलाही की नफी या उनमें तहरीफ वगैरह उन्होंने जहमियों के अक़ायद और उसी तरह मतजिला और फ़िलासफ़ा से मुतासिर होकर लिया तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप समझना ज़रूरी है वरना ऐसे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा इन कल फिर इसको हम यहीं से पढ़ते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें इसकी इसकी तशरी हम कर लेंगे इर्जा किसे कहते हैं तातील किसे कहते हैं ये सारी चीज़ें कल के दरस में हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक के साथ हमी साबित क़दम रखे अल्लाह ताला हमी अपने मनहज और अक़ीदे की हिफाज़त करने की तौफीक दे आमीन असलम आलैक्म वरमि बबरकू